एवरी वन दिस लेक्चर वी टॉक अबाउट द गुप्ता पीरियड देखो 15 मिनट का लेक्चर होगा हमारा इसको हमने एंशेंट वाले जो लेक्चर है हमारा उसका कॉन्टिन्यून है हमने इसको उसमें क्यों नहीं लिया क्योंकि यार ये 15 मिनट का है तो घूमते फिरते हम लोग तो रिवाइज कर लेंगे ना तो दिमाग में रहेगा हमारे ठीक है दिस इज इजो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट है गुप्ता एंपायर विजयनगर अंपायर बुद्धिज्म जैनिज्म अब बुद्धि जज में हुआ क्या टाइम कि इसमें इतना ज्यादा वेरिएशन आ गया ना इतना ज्यादा इसमें वेगनेस बढ़ चुकी है कि नाउ दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू डू बुद्धिज्म जैनिज्म क्योंकि सब ने कहा कि यार बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लो हो जाएगा काम यूपीएससी को लगा चलो कुछ इस पर करते हैं सो दे स्टार्ट आस्किंग टफ क्वेश्चन अभी आपको ना स्क्रिप्ट की लिस्ट देंगे पचास स्क्रिप्ट की अगर रट पाए ना तो मुझे आगे बता देना इट इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली टू रट्टा आई दिस एट स्पेशली एट दिस पॉइंट अगर साल भर से रटा लगा तो लग बात है बट अभी इस पॉइंट पर अगर पढ़ा नहीं है तो उन लिस्ट को जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनके लिस्ट को आप खाली रट लो तो मुझे आगे बोलना कि सर मैंने रट लिया सबको ठीक है पॉसिबल

हिस्ट्री पे डिबेट नहीं करना है वी आर नॉट हेयर टू डिबेट द एक मैंने वैलिड परस्पेक्टिव बताया कि वट कैन बी द पर्स्पेक्टिव कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आई एम नॉट हेयर टू डिबेट एंड प्लीज़ प्लीज डो नॉट एंगेज इन डिबेट विद ईच अदर ऑल्सो कि ये फैक्ट कहाँ का यही नहीं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मुझे करेक्शन लगेगा मैं उसको जरूर करेक्ट करूँगा कॉमेंट बॉक्स में देखना डिस्क्रिप्शन देखना वो करेक्शन हो जाएगा आपको ठीक है बट फालतू में वहाँ पर डिस्कशन करना कि यहाँ पे ये यह होता है यहाँ पे यह होता है ऐसा ना करो यार प्लीज टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ आप यू डॉट हैव टू प्रू योर सेल्फ योर राइट और समन इज रॉन्ग योर इंटायर फोकस शुड भी क्लियर द एग्जाम बस ठीक है गुप्ता देखो गुप्ता के बारे में बात करते हैं तो ऐसा थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है ओके और राइट गुप्ता का बेसिक देखो फाउंडर कौन है गुप्ता क्लियर हमारे आपको पता नहीं है कौन है बट कहते हैं कि गुप्ता है ठीक है गुप्ता वॉज ए नहीं मा द फाउंडर किस एरिया में से नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में था ठीक है मौर्य से बड़ी इनकी टेटरी मौर्य से छोटी टेटरी देंगी ठीक है मौर्य वॉज बिगर ओके टू हंड्रेड इयर तक इनका रेन था रेन वॉज वेरी लॉन्ग तो ये बेसिक देख लिया हमने अब रूलर कौन देखेंगे चंद्र गुप्ता वन समुंद्र गुप्ता टू ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर दिस टू ठीक है एंड देन योर इसके ना चंद्र टू इनको विक्रमादित्य कहते थे देन इनके पास नवरत्नाज इनके ही रूल में थे ठीक है एंड कुमार गुप्ता स्कंद गुप्ता वज लास्ट ग्रेट रूलर रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड यहाँ खत्म हो गया हमारा अब हम लोग इन जनरल बात करेंगे गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है गुप्ता ब्रेड सोसाइटी कैसी थी गुप्ता पीरियड की इकनॉमी कैसी थी गुप्ता पीरियड में टैक्सेशन सिस्टम क्या था गुप्ता पीरियड के अंदर लिटरेचर का क्या सीन था हिंदू का क्या टैक्स था बुद्धिज्म का क्या टेक्स था साइंटिफिक कुछ टेक्स्ट क्या थे फिर कुछ स्पेशल बात अबाउट द लिटरेचर ऑफ द पीरियड ठीक है इतना क्लियर है दिस इज ऑल अबाउट गुप्ता पीरियड जो बात करेंगे चलो Uh, कहा गया चंद्रगुप्ता के बारे में बात करो क्या है चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता वन ठीक है इनको टाइटल आया महाधीर महा राजा धीरजा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे पूछेगा कि हु अज्यूम द टाइटल ऑफ महाधीरजा तो एक एमसीक्यू आपका यहां से बन जाएगा क्लियर है ये वाला महाधीरजा ओके अगर पूछेगा कि गुप्ता ने हु अज्यूम द टाइटल ऑफ कविराज तो क्या बोलोगे समुद्रगुप्त ठीक है हु अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य क्या बोलोगे चंद्रगुप्त टू तीन एमसीक्यू टाइटल को लेके बनेगा आपका ठीक है बाकी इन दोनों का टाइटल जो है इन दोनों का टाइटल इंपॉर्टेंट नहीं है टाइटल देखना हमें चंद्रगुप्ता का टाइटल महाराजा धीरे गुप्ता का टाइटल हो गया कवि राजा एंड चंद्रगुप्ता टाइटल हो गया विक्रमादित्य ठीक है ही इज द मोस्ट फेमस रूलर चंद्रगुप्ता टू एंड ही अज्यूम टाइटल ऑफ विक्रमादित्य अब इस पूरे पूरे पीरियड में आप देखोगे ना कि हर राजा खुद को एक टाइटल डिक्लेयर देगा सबको एक टाइटल या तो खुद से मिलेगा या तो कोई और उसको आकर देंगे तो टाइटल यहाँ बड़ा प्रॉमेंट है राजा के पास ठीक है दो चीज कॉमन देखने मिलेगी आपको एक होगा टाइटल एक होगा मैट्रोमोनियल अलायंस मतलब कि शादी करेंगे ही विल मैरी समवन किससे करेंगे चंद्रगुप्त वन मैरीज द लिच्छावीज जो मिथिला की थी अब इसको हमें क्या रटना है देखो रट लो एक भी शादी करा था ठीक है अब एग्जाम के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट समझो कि यार चंद्र वन जब नॉर्थ इंडिया में है तो लिछावी से क्यों शादी करी क्योंकि मैटर मोदी लाइन को करके दे यूज टू यू नो स्ट्रेंदन देयर रूल अपने रूल को कंसोलीटेटेटेटेटेट करते थे ये लोग राइट अगर इनसे शादी कर लिया अच्छी था मिथिला रीजन मिथिला रीजन कहाँ पे गेंजेटिक वैली में है तो इसका मतलब कि गैजेटिक वैली वाले एरिया में भी इनका कंसोलीटेशन हो जाएगा पावर का कंफ्लिक नहीं होगा इनसे क्योंकि शादी कर ली है ठीक है एंड दैट्स हाउ दे विल टू रूलर विल कम एंड कहेंगे मेरे बेटे तुम शादी कर लो ये बोला मेरे बेटे तुम शादी कर लो एंड दैट स विल फोर्ज आवर मैट्रिमोनियल थ्रू दिस मैट्रिमोनियल अलायंस विल ट्राई टू फोर्ज अर स्ट्रॉर पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव ठीक है अब आ जाओ समुद्र गुप्ता में समुद्र गुप्ता वॉज द ग्रेटेस्ट किंग अगर पोलिटिकली बात करें तो क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया था इन्होंने टाइटल एज्यूम करा कवि राजा का ही वॉज अ पोइट ठीक है इनको वी ए स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन कहा था पूछ ले इंडियन किसको कहा गया था समुद्र गुप्ता को कहा गया था ठीक है अब वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ ले प्रयाग प्रशष्टि क्या है तो प्रयाग प्रश्न इज अ काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन ठीक है हु इंस्क्रिप्शन दिया किसने हरिसेना ने दिया ठीक है अब हरिसेना ने इसके इंस्क्रिप्शन दिया ये बात किसके बारे में करती है ही टॉक्स समुद्र गुप्ता ठीक है प्रयाग प्रशिटी दिया किसने हरिसेना क्या है इंस्क्रिप्शन है किसके बारे में बात करी समुद्र गुप्ता ठीक है इतनी चीज क्लियर हो गई गुप्ता टू में आ जाओ ठीक है चंद्र गुप्ता टू का ना क्या हुआ एक्चुअली समुद्र गुप्ता के जो लड़के थे सो ही वॉज नॉट रामगुप्ता अंदर शाद उनका तो ही वॉज नॉट लूशन में लिखा कि वो द काउड किंग बट मुझे वो काउड तो नहीं बोल सकते वी वो नॉट देयर प्रेजेंट कहते कह सकते हैं कि एक्चुअली उनकी लाइक सामून हैज वो साकाज जो रूरल थे ना साकाज हमें पढ़ता है यहाँ पे जो इंडो ग्रीक्स और यहाँ पर साकाज जो है हमारे गुजरात वाले रीजन में वेस्टर्न इंडिया में तो साकाज एबडक्टेड देयर वुमन एंड उसके बाद फिर यहाँ का चंद्रगुप्ता ही वेंट देयर एंड फिर वहां से जाकर सीक्रेटली गए एंड ही यू नो ब्रॉडर बैक सो दैट्स हाउ ही वॉज वेरी ब्रेव एंड पावरफुल एंड ही विक्रमादित्य अब हमें साका से समझना क्या है साकाय समझना समझो ये चीज़ कि साकाज आपके वेस्टर्न इंडिया में थे यहाँ पे थे यानी इतना समझ में आता है हमें इस कहानी से कि चंद्र ये जो पीरियड है बेसिकली यहाँ पे साका से इनका बनता नहीं है सो दैट इज वाई दे विल ट्राई टू फॉर्ज द रिलेशनशिप विद द वाकाटाकास अब अब हम वाका टाकस कहाँ पर है शाकाज आपके यहाँ पर वाका यहाँ पर अब ये नॉर्थ इंडिया से अगर यहां से मेटामोलिन अलायंस कर लेंगे तो इसका मतलब कि इनकी पावर यहां पर ही पहुँच गई इफ दे गो टू वार दे विल दे विल हेल्प देम सो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये साकास को डिफीट करेंगे एंड दे विल ऑर्थो साकास एंड दैट्स हाउ दे विल स्ट्रेंथन देयर एम्पायर बाय मेटामोन अलायंस तो चंद्र भी करेंगे मेटामोल अलायंस कैसे करेंगे वाका टाका से वाका टाज उधर से मतलब कि बेटी की शादी करवा देंगे वाकाटाका

ऑल राइट देन नरत्ना का नाम यहाँ से याद रख लेना एक बार बार रख लेना घुमा फिरा के दो चार बार देखोगे दिमाग में आ जाएगा ठीक है पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन नरत्ता थे तो हमें बेसिक क्वेश्चन है बगल वाले को आता होगा हमको नहीं आएगा तो यूपी से उमित करती कि हमको आना चाहिए तो इसको हमें एक बार रख लेना है ठीक है बेसिक है ना कॉमन सेंस कहता है ना नरतंग का पता होना चाहिए बचपन से कहानी सुनते हुए नरना के बारे में हम लोग ठीक है ओके अब आ जाओ फोर्थ नंबर पर कुमार गुप्ता कुमार गुप्ता होता था सन ऑफ चंद्रगुप्ता टू इनके बारे में कुछ खास बात है नहीं बस हाँ इनका फोकस एजुकेशन पे था नालंदा यूनिवर्सिटी जो है नालंदा महाविहारा इन्होंने स्टाब्लिश करा था एग्जाम पूछ ले नालंदा महाविहार किसने स्टाबलिश करा इट वॉज स्टाब्लिश बाई सम कुमार गुप्ता क्लियर है ऑल राइट वेरी वेल अब इसकांत गुप्ता आ जाओ इसम गुप्ता वज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता पीरियड इनके बाद गुप्ता पीरियड क्या डिफेट हो जाएगा जैसे हमारा मुगल हुआ था और के बाद ठीक है ओके द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ ये अब इनके पास स्पेशल बात क्या है कि डिफेट कॉल्ड एज हंस अब हंस कौन है समझो हंस कौन से लोग हैं देखो हंस आर द पहाड़ी ये नोमैडिक हर्डर्स वो द हंस ये उस एरिया के ना नोमैडिक हर्डर्स थे एंड दे यूज टू अटैक ठीक है सो ये अक्सर क्या करते आते थे अटैक करते लूटते चले आते थे तो ही वॉज द वन गुप्ता वॉज द वन वो एक्चुअली अटैक द एंड डिफिटेड द हंस हालांकि कुमार गुप्ता के टाइम में भी हंस वर देर बट देवर केट इन ट्रबल्स बट ही कुड नॉट डिफीट हिम इट वसंद गुप्ता हु डिफीटेड हंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हंस किसने कि डिफीट करा था स्कंद गुप्ता ने कहा था रिवाइज करो ठीक है अच्छा एक और बात एग्जाम पूछे कि फाइन के फाइन किसके टाइम विजिट करें इंडिया में ही विजिड डरिंग टाइम ऑफ चंद्र गुप्ता टू तो चंद्र के माइम में, में क्या क्या फाइन ने विजिट करा इंडिया को इनके टाइम में नॉल इतना थे ठीक है इन्हीं के टाइम में ही टाइल ऑफ विक्रमादित्य एंड ही फोज अलायंस विद द वाका एंड ही ओवर थ्रो द साकाज ठीक है ये तो चीज क्लियर है समुद्र का फवी राजा का टाइटल नोज्यूम करा एंड प्रयाग प्रतिष्ठी इनके बारे में बात करती है चंद्रगुप्ता वन में क्या होगा लिच्छा के साथ करेंगे ये लोग कुछ खास बात नहीं है ओके कुमार गुप्ता फाउंडेड नांदा महाविहारा स्कानंद गुप्ता हो गया अब बात करो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डी हमने पढ़ा था कि मॉरियन वर्ल्ड सेंट्रलाइज यहाँ डिसेंट्राइज मतलब क्या फ्यूडल होगा मतलब कि कि यहाँ पे क्या होगा कि सैलरी अब लैंड के फॉर्म में दी जाएगी मुगल में मॉरियन में क्या था कि सैलरी वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश इन मौरन में अब कैश तो यार कोई भी अमीर बन जाएगा राजा के पास होगा पावर मोस्टली बट या लैंड है तो हर एक जमींदार मैंने पढ़ाया था कि हर एक लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी आर्मी मेंटेन करके सबको क्या करे एक जमीन ले लो ये जमीन ले लो और अपनी एक आर्मी मेंटेन कर लेगा तो हर एक लैंडलॉर्ड के पास क्या है आर्मी है खुद की सो so पावर क्या है राजा के पास ना होकर सबके पास डिसेंट्रलाइज पावर है एंड दिस विल लीड टू डिस इंटेग्रेशन ऑफ द लेटर फेजेस अब समझो तीन चीज एग्जाम के लिए बुक्ति विषय एंड ग्राम दिस इज ए स्ट्रक्चर तो बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ कि आपका सबसे बड़ा है प्रोविंस सबसे बड़ा है प्रोविंस उसके नीचे आपका विषय उसके नीचे ग्राम बोलेंगे गांव तो ग्राम से बड़ा है आपका विषय उससे बड़ा है भुक्ति भुक्ति ये ध्यान रखना एक्जाम कि भुक्ति विषय एंड ग्राम इज टू वॉट इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ गुप्ता नॉट मॉरियन ठीक है ओके okay. अब आज लैंड ग्रांट की जमीन हम देते थे किसको ब्राह्मण्स को अग्रहारा पूछ लिया कि इन द कंटेस्ट ऑफ एशियट हिस्ट्री वर्ट इज अग्रहारा अबाउट तो अग्रहारा क्या है बेसिकली मौर्य मुगल इसके आ, हमारे गुप्ता के टाइम में ब्राह्मीन को जो लैंड ग्रांट देना होता था कि जमीन दे दो यार उठा के ब्राह्मण को उसको कहते अग्रहारा कहते थे ठीक है सोसाइटी के बारे में बात कर लो वुमेन की कंडीशन डिटेट थी क्यों अच्छा वुमेन कंडीशन किसमें अच्छी थी इंडस वाली में अच्छी थी यस yes. वैदिक में अच्छी थी अर्ली वाले में अच्छी थी लेटर वाले में अच्छी नहीं थी ठीक है मॉरन वाले में वी कैन विकेन् थोड़ी सी सोसाइटी इनकी थोड़ी सी नॉर्मल थी अच्छी थी सोसाइटी यहां पर पता है कि वेमन कंडीशन अच्छी नहीं थी क्योंकि पॉलीगेमी वगैरह हो रहा था कास्ट सिस्टम बिकम वेरी रिजिड ठीक है अब जैसे ही कास्ट सिस्टम रिजिड होगा यू कैन अंडरस्टैंड कि अनटचेबिलिटी वहां बढ़ जाएगी सो एग्जाम में क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी वॉज देयर पूछा कि विष्टि इन द पूछा भी दूसरा आपका ये क्वेश्चन में से पूछा कि विष्टि इज इज इन द कटेक्ट ऑफ वट इट इज अ फोर्स लेबर इन द कंटेक्ट ऑफ एंट हिस्ट्री ठीक है अब एग्जाम में पूछेंगे इकोनॉमी देख लिया हमने एडमिनिस्ट्रेशन क्या है देख लिया हमने सोसाइटी क्या है देख अब देखेंगे इकनॉमी क्या है लैंड रिकॉर्ड का ऑफिसर को पुष्पा कहते हैं रटना इसको क्वाइन अब एग्जाम्पल समझो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइन वर इशूड अंडर द गुप्ताज ठीक है बट देर जो कॉइन इशू करा इनकी क्वालिटी वॉज नॉट एज गुड एज कुशाना तो क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो कुशाना की क्वालिटी गुप्ता से ज्यादा अच्छी थी बट अगर क्वांटिटी वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा किसका गुप्ता वर् इशू वन द इशू द हाइस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इतनी चीज क्लियर है ओके ओके नाउ टैक्सेशन के बारे में समझो कि फोर टाइप्स ऑफ टैक्सेशन जो हमें पढ़ना है एक है भागा भागा इज बेसिकली वन सिक्स ऑफ टोटल प्रोड्यूस किया आपका जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका वन सिक्स उठाओ और राजा को दे दो जाके सबको किंग को देना है भोग क्या है भोग इसकी आपके पास मान लो कि फ्रूट आया कहते ना भगवान को भोग लगाते हैं तो फ्रूट आया वेजिटेबल साइन जो भी चीज़ें आई उसको आप ले कंटिन्यूस लेकर जाओ ओवर एंड अबव योर ये तो देना ही देना है इसके ऊपर भोग चढ़ाना है टू हुम टू किंग बली बली का पहले क्या था कि वॉलेंटरी आप जाओ और जाके राजा को कुछ दे दो बट क्या हुआ कि वॉलंटरी को इस बलि को मैनेट्री कर दिया गया डोंट यू थिंक इट इज अगेन ऑपरेसिव तो टैक्सेशन सिस्टम जो था गुप्ता में इट वॉज वेरी ऑपरेसिव इन नेचर तो टैक्सेशन जो था हमारा कह सकते हैं कि इट वॉज ऑपरेसिव इन नेचर ठीक टैक्सेशन बहुत ज्यादा था उपारीकारा उपरीकार देखो ऊपरीकार का मतलब है एडिशनल टैक्स ऑन द ऑल सबको इतना तो देना ही इसके ऊपर ये भी टैक्स देना है ऊपरी कार ना किसी याद केंगे ऊपरी का मतलब ऊपर ऊपर का टैक्स देने वाला इन सब के ओवर एंड अबव देना है सबके ऊपर देना है ठीक है तो ये हमारा टैक्सेशन हो गया चार्ट चट लेना है इसको लिटरेचर बारे में समझ लो हिंदू टेक्स्ट क्या है हमारा बुद्धिस्ट के हिंदू में रामायण महाभारत मुनुस्वी इसको लिखा नहीं गया था इसको रीराइट किया गया था ठीक है बुद्धिज्म में दो ध्यान को अभिधम्मा कोशा एंड विशुद्धि मागा अब समझो यहाँ पे इसको समझो यहाँ पे अभिधम्मा कोशा कैसे याद रखेंगे देखो यहाँ पे बुद्ध घोष और दीघ नागा ठीक है मागा और नागा इसको इंटरचेंज कर दिया है इन्होंने तो नागा वाला हो गया मागा और यहां पे देखो घोषा और कोशा तो अविधम कोशा को कौन करेंगे दीघनाग देखो दो नाम याद रखो दीनाग और बुद्ध घोषा ठीक है अब दोनों किस में किस में तो गो इंटरचेंज इंटरचेंज कर लो घोषा वाला हो जाएगा अभिधम्मा कोशा में और विशुद्धि नागा में हो जाएगा दीघनागा इतनी चीज याद रख लेंगे हम लोग ठीक है अब साइंटिफिक में देख लो आर्यभटिया नाम आर्यभटिया आर्यभट्ट ने लिखा क्या सूर्य सिद्धांता यू टॉक अबाउट दैट एस्ट्रोनॉमी एंड एंड स्टफ लाइक दैट एस्ट्रोनोमी एंड मैथेमेटिक्स व्रह मीरा ने लिखा ब्रे समता विच ऑलसो टॉक अबाउट द एस्ट्रोनमी एन ऑल एंड देन फ्यू लिटरेचर लाइक कालीदास ने क्या लिखा कालीदास वज क्वाल शेसपियर फंडिया एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा कि हुआ शेक्सपियर फ्रेडिया कालीदासन ऑफ द फेमस वर्क वॉज अभिजन्ना शकुंतलम वेरी इंपॉर्टेंट अभिजन्ना शकुंतलम किसका वर्क है कालीदास का वर्क है फिर देखो मिर्च कटिका का एग्जाम्प मिर्च कटिया इजबाउट वट मिर्च कटिया लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड रिटन बाई शूत्रा का एंड लव स्टोरी बताता है किसके बारे में लव स्टोरी बात करें लवस्ट हु बिटवी एन अपर क्लास एंड लोअर क्लास ठीक है सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द डार्क रियलिटी ऑफ द सोसाइटी क्यों सोसाइटी में हमारा कास्ट सिस्टम तो था ही ना ठीक है कामसोत्रा ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट इट रिटन बाई वसियाना ठीक है इट वॉज ऑल्सो रिटन इन दैट पीरियड क्लियर है ओके okay. अब यहाँ हमने देख लिया बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट इट एक और चीज बोनस समझ लो हम समझते हैं यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर के बारे में समझो अगर हम यहाँ देखेंगे आर्किटेक्चर में क्या हमने करा बेसिकली आर्किटेक्चर वट वी हैव डन समझो यहाँ पे अगर कोई कुछ पूछता है कि केव में कौन कौन से केव हमने करे पहली चीज कि यहाँ पे जो केव थे वो परपेंडिकुलर केव्स थे ठीक है दूसरी चीज यहां पे समझो और कि यहां केव्स आपके समझ लो में हो जाएगा अजंता केव्स एलोरा केव्स एंड बाग केव्स इसमें पेंटिंग्स भी यहां पे देखने मिल जाएंगे आपको ठीक है अब कोई पूछता है मेरे से बताओ कि टेम्पल का क्या सीन था तो एक टेम्पल में बात करूंगा अगर तो टेंपल का अगर कुछ पूछे टाइप कौन सा था टेम्पल का स्टाइल कौन सा था सो बेसिकली वी कैन से कि दिस वॉर नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कौन सा स्टाइल था नागरा स्टाइल तो नागरा स्टाइल ध्यान रखना कि गुप्ता के पहले भी नहीं था और गुप्ता के बाद हुआ है मतलब कि इसके बाद होना स्टाइल ऑफ नागरा स्टाइल क्लियर है ओके अच्छा टेम्पल के एग्जाम्पल समझ लो एक एक टेम्पल को कहते हैं दशावतार टेम्पल इसको रट लेना हमें दशा अवतार टेम्पल तो बहुत सारा होता है दिस इज़ वेरी फेमस टेम्पलशा अवतार टेम्पल इज अंडर द गुप्ता का फेमस टेम्पल दशावतार टेम्पल दशा अवतार टेम्पल ओके दशा अवतार टेम्पल कहाँ पे देवगढ़ में ठीक है ऑल राइट यहाँ तक हो गया और क्या हो गया बस हो गया हमारा यहाँ पे ऐसे टेम्पल तो बहुत सारा है हमारा दशावतार भी है बट सबसे फेमस दशावतार ध्यान रखना है इसको ठीक है ओके okay. बस ये दो चीज़ ध्यान रखनी है केव में केव हो गया चंदा एलोरा वाला और यहाँ पे दशावल टेम्पल हो गया ठीक है एलोरा बहुत अ सेकुलर केव इसमें कि हिंदुजम बुद्धिज़म जैनिज्म तीनों की आपको देखने को मिलेगी ठीक है क्लियर है और ठीक है ये चीज़ हमारा हो गया ओके वेरी वेल खदम है बात ठीक है यहाँ पे हमारा गुप्ता पीरियड ओवर हो गया क्या टाइम लगा फिफ्टीन मिनट्स का अप्रेडमेंट मिन हो गया नाउ विद दिस आई विल टेक यू लीव एंड कुछ बात और सुन लो मेरे से कि प्लीज़ डोंट बॉजर फैक्ट्स गलत होते हैं प्लीज़ कम एंड टेल मी विल करेक्टेड परेशान नहीं होना इसको लेकर ठीक है चार लोगों से बहस मत करना वहाँ पर ठीक है टेल मी आई आई जस्ट ट्राई टू करेक्ट जो अगर करेक्शन होगा तो कर देंगे एंड अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ बिकॉज देखो हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ हालांकि जो सोर्स मैंने यूज़ कराया है आई हैव यूज अ लूशंटेंट जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स अभी है मार्केट में ठीक है आई हैव यूज लूशंट का एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से यूज करके आई हैव यूज दैट ठीक है तो क्रेडिबिलिटी आपको मिलेगी इसमें बट अगर फिर भी कुछ ऑलमोस्ट होता है तो लेट मी नो ओके सो विद दिस अल्टेक्यू लीव टिल देन कीप स्टडिंग कीप वर्सलिंग गु बाय गॉड स्पीड